वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस एटीए। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। तो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आप उसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर वो क्वेश्चन पहले से साइन और कॉस के टर्म में है तो आप उसे कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, आसानी से बन जाएगी, उसी प्रकार से सॉल्यूशन करते जाइए। तो फ्रेंड्स, मुझे साइन और कॉस के टर्म में मिला है, अंडर रूट में है, तो जब भी अंडर रूट में है और नंबर जो ऊपर नंबर है वही नीचे है, बस साइन का चेंज, साइन में फर्क है, साइन का डिफरेंस है, तो बस उसको आप रेशनलाइज यानी प्रमेयकरण मेथड से सॉल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a। तो कैसे इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करते समय ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें सॉल्व नहीं लिखना है, या तो LHS का यूज कीजिए या तो RHS का यूज कीजिए। अगर LHS से चलेंगे तो RHS आना चाहिए, अगर RHS से चलेंगे तो LHS आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS। पहले चीज में जो वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस प्रकार से मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर इसका काम बढ़ाते हैं। तो जैसा है वैसा ही शो कर लीजिए, पहले 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जैसा है वैसा शो कर दिया। अब देखिए, ऐसा जब भी साइन का फर्क है और नंबर वही सेम टू सेम है तो रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा। रेशनलाइज में मल्टीप्लाई का साइन पड़ता है और क्या होता है, अंडर रूट वहां तक चला जाता है। जो नीचे का नंबर है सेम टू सेम ऊपर जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस से नीचे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और जो ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे भी साइन के साथ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया। अब मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कट नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, वही नंबर दो टाइम है। तो क्या फ्रेंड्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए ए अंडर रूट दोनों के लिए है, ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक बार मैया एक बार बाबू, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बोला जाए तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, आसानी से ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट है, अंडर रूट रहने दीजिए अभी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन, नीचे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर एक बार प्लस माइनस में लिखेंगे तो वापस सुबह ही आ जाएगा, तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या करना है, 1 पर स्क्वायर रखिए या ना रखिए कोई फेक पड़ता नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 पे से स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़े हैं फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, अब मुझे करना है, देखिए इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या फायदा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसके लिए भी स्क्वायर है और इसके लिए स्क्वायर है, दोनों के लिए हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो बचा क्या फ्रेंड्स, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचा फ्रेंड्स, कॉस ए, इस प्रकार से बचा। आप देखिए जो कॉस ए है ये 1 के लिए भी अपॉन है और साइन के लिए भी अपॉन है, तो क्या करना होगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखिए दोनों के नीचे मैंने कॉस ए लिखा है, इसलिए लिखा हूं क्योंकि दोनों के लिए है। तो ध्यान दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता फ्रेंड, तो sec a, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू sec a, और प्लस साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता फ्रेंड्स, tan a,
यही हमें लाना था, आरएचएस प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।